उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अम्बेडकर नगर में पहुंचकर चुनाव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 18 घंटे तक काम करते हैं और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिया करते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो बयार चल रही है, लोगों ने कहा कि पिछले बार मोदी जी की लहर थी। मैंने कहा कि हम भी उत्तर प्रदेश के लगभग 45-46 जिले लगातार होकर आए हैं। पिछले बार ये बात सही है कि मोदी जी की लहर थी, लेकिन इस बार विपक्षियों के लिए वो मोदी जी की कहर है और कहर ऐसी बरक रही है कि पता चला राज बब्बर जी मुरादाबाद छोड़कर भाग रहे हैं। अपने कामों के आधार पर ये हमारे जो विकास कार्य प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने किए हैं उसके आधार पर आज हमारी सरकार जो है उसके कार्यकर्ता आज चुनाव के मैदान पे हैं। पूरे देश में इस प्रकार का संकल्प सम्मेलन, विजय संकल्प सम्मेलन हो रहा है। अम्बेडकर नगर में जितने विशाल कार्यकर्ताओं का जो ये समूह है, इस बात का परिचायक है कि हम पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में पिछली बार जो 73 सीटों का रिकॉर्ड था उसको तोड़कर अगली बार 74 बार का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। हमने हर जगह गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम किया है और उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और विपक्ष जो है ये विपरीत विचारधाराओं वाली केवल अवसरवादी नीतियों के लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी ना हो, इस एक सूत्री कार्यक्रम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और हम विकास हो, देश मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो।